क्या लग रहा है? हमारे ऊपर जो आरोप थी वो निराधार, आप लोग बताओ कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया आप लोगों को नहीं कर रही, लेकिन वैसी महिला नाम ली जिसका पति खुद एक्यूज थी और उसके पास में कोई एविडेंस नहीं, निराधार आरोप का क्या मायने? निराधार आरोप तो आरोप साबित नहीं होता, और जब इतनी बड़ी एजेंसी जिसको लोग सीबीआई कहते हैं, जिसके जांच के लिए लोग परेशान रहते हैं, इतनी बड़ी एजेंसी जिसको मैं भी सलाम करती हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर जांच हुई और जब एक सम्मन भी नहीं जारी हुआ, तो फिर आरोप का क्या मतलब है? हम पर क्या आरोप है आप बताएं? नहीं, मैं जदयू परिवार की हूँ। जदयू परिवार ने और उनके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक हाउस वाइफ जिसे कोई नहीं जानता था, अर्जुन टोल में भी फलाने की बीवी फलाने की बहू के नाम से जानता था, मंजू वर्मा के नाम से नहीं जानता था, उसको टिकट दे करके और घर से निकाल करके सदन तक पहुंचा दिए, वो टिकट दिए, आकर के प्रचार किए। हमारे वो नेता है, मैं उनसे हटकर कहीं नहीं जा सकती। क्या उन्हीं ने जब टिकट दे दिए और आगे किस तरह की तैयारी की जा रही है? मैं तो जब से आई हूँ उधर से फ्री होकर के मैं हर दिन तैयारी कर रही हूँ और हर जगह हर गली मोहल्ले में मैं शिलान्यास के बहाने कहीं कुछ घटना घटती है वो या उद्घाटन के बहाने जाती रहती हूँ और अपना पक्ष जनता के बीच में रखती हूँ। जनता का अपार स्नेह हम पर है और हमें लगता है, हमें उम्मीद है कि हम पर कोई आरोप नहीं है, मुझे निश्चित रूप से टिकट मिलेगा, मिलनी चाहिए। यहाँ मुकेश सहनी के आने की बात हो रही है और आपके जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, चिराग पासवान मतलब अनाप शनाप कर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे में यहाँ से आपको मिलेगा ही ये टिकट मिलेगी? देखिए, मुकेश सहनी आवे या कोई आवे, जब मैं चुनाव मैदान में हूँ और इतने दल हैं और लोगों को निर्दलीय भी हक है, तो आगे कौन आएगा इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं 10 साल से काम की हूँ और अच्छे तरह से, मेरे पास में चैलेंज था कि कोई पुरुष जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा मैं काम करूँ। और आप पता लगा लें, आपके पास में सारा यंत्र है पता लगाने का, मैं किसी भी पुरुष से काम नहीं की, कम काम नहीं की हूँ। हमारे सातों विधानसभा से कोई जनता नहीं बताएगा कि चरिया बरियारपुर में कम काम हुआ है, तो मैं अपने काम के बदौलत और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिन रात जब से मुख्यमंत्री बने हैं बिहार का, वो विकास के ही कार्यों में लगे रहते हैं, तो उनके कामों के बदौलत मैं चुनाव मैदान में जाना चाहती हूँ और मैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि अब जनता विकास चाहती है और विकास को वोट देती है।